हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी के हमारे चैनल फंटाइज सुपर इलेवन पर फिर से एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं TTT लीग का जो मैच होने वाला है, जो कि खेला जाएगा HST और TCI के बीच होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या रहने वाले दोनों टीम की तरफ से एक्सपेक्टेड लाइनअप, मैच का प्रीव्यू, पिछले मैच का प्लेयर का परफॉर्म, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट पिक क्या रहने वाली है, ड्रीम इलेवन की हेड टू हेड स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम और इंजरी का रिपोर्ट, सारे कुछ जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। सो जरूर चंद तक बने रहे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नया विजिटर हो, हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है और आपको टीम बनाने में मदद मिले, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। अब देख लेते दोस्तों क्या रहने वाले दोनों टीम की तरफ से एक्सपेक्टेड लाइनअप और मैच का प्रीव्यू। दोस्तों, ये मैच खेला TTT मैच का सेकेंड T20 मैच है, 25 अप्रैल यानी कि आज खेला जाएगा, 11 बजे सुबह खेला जाएगा। दोस्तों, अब देख लेते तो दोनों टीम की तरफ से एक्सपेक्टेड लाइनअप क्या रहने वाली है। दोस्तों, तो दोनों टीम की तरफ से पहले देख लेते हैं HST की तरफ से क्या रहने वाली है पॉसिबल लाइनअप। रोहू रैम रहने वाला है गोलकीपर, सॉरी विकेट कीपर, बाकी के नाम पढ़ना चाहते हो दोस्तों पढ़ सकते हो दोस्तों वीडियो पॉज करके। अब देख लेते दोस्तों TCA की तरफ से क्या रहने वाली है पॉसिबल लाइनअप, ये देख सकते हो दोस्तों। प्रवीण चितन रहने वाला है गोल कीपर, बाकी के नाम आप पढ़ना चाहते हो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं पढ़ने जाऊंगा तो एक एक नाम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देख लेते दोस्तों प्लेयर का टाटोस क्या रहने, पिछले मैच का प्लेयर जो टाटस था उसका देख लेते दोस्तों। पहले देख लेते HST की तरफ से ऋतिक राघरवाल, 569 रन, 20 इनिंग्स खेल चुके हैं, स्ट्राइक रेट है उसका 152.14 और 20 विकेट ले चुका है अभी तक। नितेश गुप्ता देख लेते दोस्तों, नितेश गुप्ता 615 रन, 26 इनिंग्स खेले हैं, स्ट्राइक रेट है 118.50 विकेट 22। वेंकटेश गौड़ का देख लेते तो 233 रन, 12 इनिंग्स और स्ट्राइक रेट है 112.02। और थेम्स रैन के देख लेते दोस्तों 122 रन, 8 इनिंग्स, स्ट्राइक रेट है 100.23 और 7 विकेट। दोस्तों, ये आपके लिए बेस्ट प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है, तो दोस्तों आपको ग्रैंड लीग पे इसके ध्यान देना पड़ेगा। अब देख ले दोस्तों TCA की तरफ से क्या रहने वाले है। TCA की तरफ से मनोज कृपल ने 155 रन, 9 इनिंग्स, स्ट्राइक रेट है 112.32 और 9 विकेट। और गिरीश 25 रन, 3 इनिंग्स खेले हैं, स्ट्राइक रेट है 108.56। अब देख लेते दोस्तों विक्की हागड़े का 136 रन, 6 इनिंग्स, स्ट्राइक रेट है 130.77 और 2 विकेट। दोस्तों, आप लोगों को इतना सारा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, अगर मैं किसी वजह से टीम दे ना पाऊँ आपको, तो आप खुद की तरफ से एक अच्छा खासा विनिंग टीम बना सको, इसलिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बिना स्किप किए देखते रहेगा दोस्तों, अगर स्किप करके देख लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देख लेते दोस्तों ड्रीम इलेवन की हेड टू हेड स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम क्या बनता है। दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पहले से एक टीम बना कर रखा दोस्तों, ये मेरा हेड टू हेड के लिए। आप चाहे तो दोस्तों ग्रैंड लीग पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन चेंज करके। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक विकेट कीपर पे वी गोरुडो को पिक किया है, बैट्समैन पे दोस्तों पी चायम के साथ जा रहा हूँ, ए कुमार के साथ जा रहा हूँ, वी कुमार के साथ जा रहा हूँ और आर अग्रवाल के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर पे दोस्तों एम कृपलानी के साथ जा रहा हूँ और एन गुप्ता के साथ जा रहा हूँ। बॉलर पे दोस्तों के बेरा के साथ जा रहा हूँ, एन सिंह पिंग के साथ जा रहा हूँ, एन सिंह के साथ जा रहा हूँ और जे फ्रासी के साथ जा रहा हूँ, टी रन के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मैंने कैप्टन के लिए आर अग्रवाल को पिक किया है और ये कुमार को पिक किया है वाइस कैप्टन के लिए। दोस्तों, ये हमारा फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लाइनअप के बाद अगर कोई भी न्यूज़ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा, और फाइनल टीम भी हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके फैंटेसी सुपर इलेवन सर्च करके जुड़ सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।